देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। प्रदेश वासी शहर के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते नाबालिग बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं का विरोध जताते हुए आज शहर में कई संस्थाओं ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रकट किया। ये कार्यक्रम उम्मीद फाउंडेशन वासी शहर के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते नाबालिग बच्चों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं का विरोध जताते हुए आज शहर में कई संस्थाओं ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाल कर विरोध प्रकट किया। ये कार्यक्रम उम्मीद फाउंडेशन व अतुल्य धरा संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शहर की सभी छोटी बड़ी संस्थाओं के सदस्यों ने भाग लिया व खामोश रहकर मौन प्रदर्शन किया। इस कैंडल मार्च का उद्देश्य था कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ की जा रही हैवानियत के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन इस कार्यक्रम में कोई दोषी भी ना मारा जाए, इसके लिए निष्पक्ष जाँच की जाए और जहाँ तक हो सके डीएनए टेस्ट करके आरोप तय होने के बाद आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान तुरंत प्रभाव से किया जाए। आज अतुल्य धरा संस्था और उम्मीद फाउंडेशन, इन दोनों संस्थाओं के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर में शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च निकाला है। और ये कैंडल मार्च जो समाज में बलात्कार और गैंगरेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं उसके खिलाफ ये जागरूकता भी है और शांतिपूर्ण आंदोलन भी है। हम समाज के विकृत सोच के प्राणियों को, जो गलत भावना जिनके दिमाग में है, मन में है, उन सबको आगाह करना चाहते हैं कि समाज में उनकी इस तरह की विपरीत सोच को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चाहे हमारा रुख जो है वो शांतिपूर्ण है, हमारा तरीका एकदम शांतिपूर्ण है, लेकिन आने वाले समय में अगर समाज में इस तरह की कुरीतियाँ बढ़ेंगी, बलात्कार गैंगरेप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, तो समाज का ये हर वर्ग से हर व्यक्ति हमारे साथ है, हर उम्र का व्यक्ति हमारे साथ में है। समाज के कोई भी व्यक्ति इस तरह की गलत हरकत हमारे समाज में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आज का जो आंदोलन किया आपने कैंडल मार्च निकाला, इसके बारे में? हमारे समाज में निरंतर गैंगरेप या रेप की घटनाएं बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि सरकार जो भी फैसले ले, जल्द से जल्द इनको सजा मिले, जो लोग निर्दोष हैं वो बच जाएं, क्योंकि इन रेपों में काफ़ी जैसे देखा हमें कि निर्दोष लोग फंस जाते हैं, बाद में असली लोग सामने आते हैं। इसलिए सरकार अच्छे से जांच करे और इन लोगों को फांसी की सजा दे। बता दें कि ये कैंडल मार्च अंबेडकर चौक से शुरू किया गया था, जो शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए लाल सड़क पर बने शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। एएनटी नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट।